हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पंचायत सीजन 2 का फाइनली ट्रेलर आ चुका है गाइस। मतलब कितना टाइम हो गया, पिछले के पिछले साल आई थिंक, मुझे भी याद नहीं कौन से ईयर में पंचायत 1 देखी थी। और कैरेक्टर्स याद है, स्टोरी प्लॉट याद है, सब याद है, लेकिन काफ़ी कुछ मैं भूल चुका हूँ। तो सीजन 2 आने से पहले मैं ऑब्वियसली मैं सीजन 1 देखूंगा, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सीजन 2 के लिए। क्योंकि यार जीतू सर, मतलब जितेंद्र कुमार यार, उनकी जो एक्टिंग है, लेवल ऑफ एक्टिंग है, आप उनकी कोई भी यार कोई भी सीरीज उठा लो या फिर कोई भी वीडियो उनका देख लो यार, आपको मज़ा ही आनी है। इस हिसाब से वो कनेक्ट करते हैं ना ऑडियंस के साथ, वो एक अलग लेवल पे। और खासकर ये जो सीरीज है गाइस, वो बहुत ही सुपर्ब है। मतलब सिंप्लिसिटी की अगर कोई सीरीज है कि इतनी सिंपल है और इतनी अच्छी है, आई थिंक वो पंचायत है गाइस। तो इसीलिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीजन के लिए। तो बिना किसी देरी के देखते हैं भाई कि इस बार क्या मिलने वाला है पंचायत में। तो चलो देखते हैं। हाँ सर, थोड़ा 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 नीचे कर भाई, थोड़ा सा नीचे कर विकास। हाँ, बस बस बस, परफेक्ट। ऐसा है जी, हाँ इसमें सब रिकॉर्ड होगा। पिज़्ज़ा पैसे से कर होगा, यह सब रिकॉर्ड हो रहा है। अरे भाई, सोचा सेफ साइड के लिए अप्लाई कर देता हूँ, इजी टू क्रैक जॉब है। ग्रेजुएशन टाइम पे कोई एक जॉब होगी दिखाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली बस अब भाई एक जॉब हाथ में। तो प्रीवियस जो था वही दिखा रहे हैं। अगले हफ्ते सीट लग जाएगा, मैं खुद आके लगा के जाऊंगा। जब तक सीट नहीं लग जाता, कहीं और जाके हक ले। कहाँ जाके हक ले? पंचायत ऑफिस में हक सकता है। अरे लेकिन आप लोगों के लिए ऑफिस है, मेरे लिए तो घर ही है। कभी यहाँ बारात टिकवा देते हैं, कभी किसी को हकने भेज रहे हैं, मतलब क्या प्रधान सही बात है। रिटर्न अच्छा खासा फोड़ा होगा। बता दे भाई, क्या पैकेज मारा है इंडिया में? 1.5 करोड़। क्या इतना? 1.5 करोड़ साला। रोड ही बवासीर है। प्रधान जी ने पिछले इलेक्शन में वादा किया था कि गांव का पूरा मेन रोड पक्का करवाएंगे। आज एक तारीख आप फाइनल कीजिए, नहीं तो कह रहे हैं यहीं पे पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे हम। क्या यार, ये क्या उस बवासीर वाले स्लोगन को लेके अब तक लोड में है क्या? एक नंबर के बन रहा का साथ। अभी उसके बाद का ज्यादा वैल्यू लो मत दीजिए। दो बच्चे से ज्यादा बवासीर वाला खेल खेल रहा है ना भूषण, दिखाते हैं उसको खेल। तुम पॉलिटिक्स समझ नहीं रहे हो। चप्पल की चोरी हुई है, FIR दर्ज हुआ गांव के प्रधान के ऊपर। सर पे कर दो पर्चा, हम भी दिखाते हैं। सॉरी, दो बार हो गया, इसका भी हिसाब होगा। विधायक जी थोड़े विचित्र तरह के आदमी नहीं है? हमको कौन सा रिश्तेदारी करना है उनसे? हमारे लिए तो रोड का फंड निकल जाए बस। दरोगा सर, सच में प्रधान है, भगवान कसम, झूठ काहे बोलेंगे आपसे? हम भी तो वही कह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री हैं और हम गृह मंत्री हैं। हाय रिंकी, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? फाइनली यहीं पे छोड़ा था। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे भाई, 5 महीने बचे एग्जाम को, निकल इस गांव से। दोस्त यार कह देने से दोस्त यार नहीं हो जाता प्रधान जी, निभाना भी पड़ता है। यार बढ़िया से बढ़िया आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। आज के बाद से कंट्रोल में पिया करेंगे। मुंह पे May 20। जबरदस्त यार, जबरदस्त जबरदस्त, मजा ही आने वाली है यार। जो इसमें जोक्स है ना, और जो बॉन्डिंग दिखाई है, और जो कॉन्फ्लिक्ट छोटे मोटे जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, छोटे छोटे जो इनके बीच में लड़ाई या झगड़े होते रहते हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त लगता है यार। और इस बार तो आई थिंक जो फंड वंड का होने वाला है कि भाई उनको रोड के लिए फंड चाहिए, वो सब तो स्टोरी लाइन तो थोड़ा बहुत उसमें है, लेकिन जो मेन फोकस रहता है ना यार, वो है जितेंद्र के ऊपर कि उनकी लाइफ क्या है। और जैसे कि उसमें वो दोस्त का शौक हो जाता है कि भाई तेरा पैकेज क्या है, USA रिटर्न होता है शायद वो, तो बोलता है 1.5 करोड़। भाई उसकी तो मतलब हालत ही ख़राब हो जाती है। और सही में गाइस, मतलब पहला जो सीज़न देखा था बहुत ही, बोलते ना, सिंपल था और बहुत ज़बरदस्त था। और उसके अंदर जो डायलॉग्स थे, सबकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, और खासकर जो सिनारियो था यार, वो गांव वाला सिनारियो, और इतने अच्छे एक्टर लेके जाना और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं वही सोच रहा था कि यार स्टार्ट कब करेंगे, क्योंकि जहाँ मुझे इतना याद है कि पिछला जो छोड़ा था उन्होंने, वो टंकी पे जाता है और वहाँ उसको वो रिंकी दिखती है जो प्रधान की बेटी होती है, तो मुझे लगा वहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, थोड़ा सा उन्होंने पिछला प्लॉट बताया कि भाई वो यहाँ आया हुआ है वो, तो पहले मुझे लगा कि मैंने पहले वाली का ट्रेलर तो नहीं खोल दिया, नहीं, लेकिन हाँ आगे शुरू हो जाता है। और बाद में वो मिलता भी है उस लड़की से, तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि भाई उसकी और जो रिंकी की लव स्टोरी है वो कहाँ तक जाएगी, स्टार्ट कहाँ से होगी। सबसे पहले तो इसमें यही है, स्टार्ट कैसे होगी,
प्रधान क्या बोलेगा, और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं ये अब धीरे धीरे वो थोड़ा एडजस्ट करने लगा है गांव में, हो सकता है और धीरे धीरे उसको टाइम मिले तो वो कंफर्टेबल हो जाए। और जो बाकी के कैरेक्टर है वो भी बहुत जबरदस्त है, सबकी परफॉर्मेंस, वो प्रधान ले लो या उनकी वाइफ जो नीना गुप्ता जो प्ले कर रही है वो, या तो या फिर जो इसके दोस्त बने हैं जो उसके बियर साथ में बियर पार्टी करते हैं, या दोस्त भी बहुत जबरदस्त बने खड़े हो जाते हैं उनके लिए। और एक और चीज जो सबसे जबरदस्त होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर भी मेन मटेरियल तो मिलेंगे मिलेंगे यार। जो फर्स्ट सीजन था उसके अंदर यार वो जो शादी वाला बंदा आता है, गजब बेइज्जती है उसका जो बना था यार, मीम जो वायरल हुए थे, अब इसके अंदर क्या बनेगा, कुछ ना कुछ तो होगा यार। मतलब मीमर्स के लिए तो यार मिल ही जाता है कंटेंट, और इसके अंदर मेरे ख्याल से काफी कंटेंट होने वाला है। और वो जो बात करता है ना बवासीर वाली, आई थिंक वो वही डायलॉग है ना, मतलब वो पोस्टर चिपका देते हैं कि दो बच्चे यानी खीर उससे ज्यादा बवासीर, ऐसी कुछ होता है उनका स्लोगन होता है जो गांव में पोस्टर लगवा देते हैं, तो आई थिंक उससे काफी लोग चिढ़े होते हैं, तो वो भी उनमें से एक होता है जो चिढ़ा होता है। आई थिंक उसके ज्यादा बच्चे होते हैं इसलिए, या फिर कोई और रीजन हो सकता है उसका। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना जो लोगों को हर्ट कर जाती है, तो वही चीज़ इसमें भी दिखाई कि गांव में भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को हर्ट कर जाती है, और फिर वो उसका थोड़ा सा बदला लेने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ देख रहे हैं कि वो उससे कैसे बदला लेगा अभी। और वो स्टार्टिंग वाला सीन था यार, मतलब वो जो कैमरा फिटिंग कर रहा होता है और वो बंदा कुछ आते हुए बोलता है कि सब रिकॉर्ड होगा क्या, बोलते हैं हाँ ये भी रिकॉर्ड होगा, ये रियलिटी है। मतलब कई लोग ऐसे यूनिक पीस होते हैं और जो लिटरली उनको वो ऐसे ही होंगे, वो ऐसी इसी तरीके से सवाल पूछेंगे कि भाई ये चीज़ क्या है, और उसी चीज़ में उंगली करते हुए वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो ये ऐसे टाइप का ह्यूमर देखने के लिए मिलने वाला है जो कि बहुत ज़बरदस्त होगा। और वो जो एंड में हमने बियर वाला देखा, वो बोलता है कि बियर कम करनी पड़ेगी, उसके मुँह पर बियर उड़ा देता है, मुँह से उड़ा देता है। तो काफ़ी सारे कॉमेडी एलिमेंट्स होने वाले हैं, और जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो मैंने तो सही में गाइस बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और मैं बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहा हूँ पंचायत सीज़न 2 के लिए। ऑब्वियसली जब आएगा तो उससे, जैसे 20 मई को आ रहा है, तो उससे पहले तो देखनी पड़ेगी पंचायत 1, ताकि यार थोड़ा रिफ्रेश हो जाए सब, क्योंकि काफ़ी कैरेक्टर्स तो पता है बीच में, और स्टोरी क्या है वो भी पता है, जो मेन जितेंद्र है वो क्यों आया है वो भी पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। तो देख लेंगे एक बार रिकैप, और फिर देखेंगे यार पंचायत सीज़न 2। और आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, आप भी वेट कर रहे हैं तो। और अगर वीडियो एंजॉय किया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए गाइज। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।